वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। पुष्कर मेले में हूं मैं और नंद सिंह लल्लाना जी के साथ। इनके बिना कोई मेले का वीडियो पूरा नहीं होता है। इनसे मुलाकात हुई सारंगखेड़ा यहां भी 2019 में हुई, 18 में हुई। और ये बात जो चीज लेके आए हो, वाकई में बन के आई है नंद सिंह जी। ये वही घोड़ा है जो आप रेगुलर, ये क्या नाम है इसका? जीत। घोड़े में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम ड्रास्टिक परिवर्तन आया है। उस टाइम पे बिल्कुल अलग था, अभी तो क्या दिखता है सर? क्या है इसकी, ये खाली ब्लड लाइन का श्रेय है कि भाई आपकी खिलान पिलान तो वही घर जैसे देसी खाना खिला रहे हैं। दाल है, चना की चूरी है, मूंगा की चूरी है, चापट है, जो है दूध पिला रहे हैं। अच्छा, दो गाय का तो घोड़े पालो तो गाय तो पहले खरीद लो। बिल्कुल, गाय है घर की। गाय है। वैसे आपका फार्म है पुष्कर में? नहीं, यहाँ से 55 किलोमीटर दूर लल्लाना गाँव। तो आपका तो होम टर्फ है जी। यहाँ पारा में पास में 5 किलोमीटर। ओके सर, क्या लोगों की प्रतिक्रिया क्या है यहाँ पे जब लोग आते हैं आपका घोड़ा देखिए क्या बोलता है? घोड़ा ब्यूटीफुल बता रहे हैं। देखो आप बताओ, मैं तो क्या बताऊँ, तो हमारे को तो हमारा सुंदर सर है। मैंने पहली मर्तबा जब घोड़े का अंदर वीडियो बनाया सर, आप जब वो वीडियो देखोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जब जिस हिसाब से वो घोड़ा उछल उछल के अंदर, कल परसों आपने, परसों जब हम ऊपर से खड़े रहकर बनाए थे, वो एक दृश्य ही अलग था जी। तो उतना फुर्तीला घोड़ा ये वेट पे, ये हाइट पे जी बहुत कम है सर। घोड़े के बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। मैं तो आप और मैं तो बराबर जानते हैं सर, लेकिन हमारे दर्शक शायद नहीं जानते। मारवाड़ी घोड़ा है, कौन सी लाइन का है ये? अपने बादल का बेटा है, जाखोड़ा लाइन बोलते। ओके, और कितने साल का हो गया अभी? ये अभी 4.5 साल का, अभी स्टैलियन हो गया। तो हम डाल सकते हैं स्टैलियन जीत। स्टैलियन जीत। क्या हाइट क्या है सर इसकी? 64+ है। 64.5 जी। परफेक्ट। मकसद अभी फाइनली दे देना है? नहीं देना अभी सर। कब तक के रहोगे ये सर? जिएगा तब तक। आप तो नया नया लेके आते रहते हो। नहीं वही है सर, खान नया ले रहा हूँ। आप ये नया है ना, पीछे खड़ा हो? हाँ, ये घोड़ी नया है। तो वो जब तक के रहेगा आप ही के पास रहेगा सर। उसकी क्रॉसिंग फी क्या है अभी फिलहाल? 51,000 रुपये लेना। दैट्स इट। फार्मर के लिए कोई डिस्काउंट है? आ जाए कोई गरीब, बाद में तो कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। सर आपका नंबर क्या है? नंबर क्या डालू आप? 9462111000009। ठीक है, हम जो घोड़े की बात कर रहे हैं ये नहीं है, वो घोड़ा वहाँ पे आ रहा है। वो जब तक यहाँ पर आ जाए सर, इस घोड़े के बारे में बता दो, ये कौन सा घोड़ा है? ये घोड़ी है। ये घोड़ी, सर घोड़ी है ये। नाम क्या है सर इसका? इसका अप्सरा। अप्सरा जी। और अप्सरा, हाँ, ये मेरे मित्र है पप्पू जी राउत, उनकी है। कौन सी लाइन की है ये? उदयपुर प्रदेश की है। उदयपुर पैलेस। वो कितने साल की है ये? करीबन 6-7 साल की। सर ये भी उससे कम नहीं है जी? ये अलग है, बच्ची अच्छी है। तो ये भी कोई शो वगैरह में उतरने वाली है? हाँ बिल्कुल। दो ठीक है। और हम जो घोड़े की बात कर रहे हैं, ये घोड़ा है, इसका नाम है जीत। सर रिजल्ट कैसे आया इसके? वो सामने दो बच्चे हैं। है? बिल्कुल यहीं पे बताएंगे हम जी। सर बेचना है वो बच्चे आपको? हाँ दे देंगे, पैसे मिलेंगे। सर इसके बाद कौन से मेले में आपके दर्शन होंगे? बलोतरा में आएंगे, सब जगह आएंगे। सारंगखेड़ा है अभी दिसंबर में? बिल्कुल सारंगखेड़ा आएंगे। ओके सर, आप इतने मेले में जाते हो, आपको सबसे अच्छा मेला कौन सा लगता है? पुष्कर। पुष्कर क्योंकि आपका लोकल है ये, घर का घर होम है जी। ठीक है सर, वो दो घोड़े, वो बच्चे अपने? हाँ, ये दो बच्चे हैं। कौन सी बात कर रहे हो? ये 21 दिन का बच्चा जीत का। माशाल्लाह सर, कौन सा ये ऐसी रंग लेने वाला है जी? क्योंकि बाप वो ऐसे कलर का है, पूरा इतनी काली है, पूरा पट्टा है। नहीं रंग कौन सा आएगा, ये चेंज होगा? नहीं वही होगा, घोड़े वाला। घोड़े वाला होगा तो बचपन में ऐसे रहते कलर जी। ओके, अब तो खैर माँ के दूध पे है सर। कितने महीने के बाद बेचोगे आप ये? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। इनको कितने महीने तक के माँ का दूध देना जरूरी है? 4-5 महीने। 4-5 महीना, उसके बाद बेच दोगे आप? क्या रेट बेच भी देंगे, बेचने को जरूरी नहीं है। ठीक है सर, आपका नंबर दीजिए। 9462111000009। ओके, ये भी उसी ये बच्ची है इसकी? वो बच्चा है, ये बच्ची है, ये 19 दिन की बच्ची है। सर इनके बच्चों में शुरुआत से ही वो फिजिकल स्ट्रक्चर आ गया है ना? ये 19 दिन की बच्ची है। ये 19 दिन की है। सर आपके जानवर, क्योंकि आप शो के लिए इतनी जल्दी आ गए, जब जगह चेंज होती है तो जानवर टूटता है आपका? थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। तो फर्क पड़ा है उसको अभी? नहीं अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है।
ठीक है सर, क्या वजह है कि आपने, ये तो सबसे पहाड़ की चोटी पे आप ही खड़े हो, आपने चुना है कि आपको मिला गया है? नहीं नहीं चुना, चुना है, बेस्ट है प्लेस, और यहाँ से पूरा पुष्कर का दृश्य दिखता है बिल्कुल सर, आराम से बैठे बैठे मेरा देखो। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, आप टाइम दिए, थैंक यू सो मच।